नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं पिनाज। अन्ना जब जब आंदोलन के हुंकार भरते हैं तो उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती है और वहां हलचल मच जाती है। अन्ना ने एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भरी है और इस बार सत्याग्रह का फिर से ऐलान किया है और सत्ता के गलियारों में फिर से हलचल मची हुई है। क्या है अन्ना की मांगे और क्यों अन्ना कर रहे हैं सत्याग्रह, इस पर बात करने के लिए खुद गांधीवादी विचारक और समाजसेवी अन्ना हजारे हमारे साथ मौजूद हैं। अन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। एक बार फिर से आपने आंदोलन की हुंकार भरी, क्या होगा मुद्दा? मुद्दा ये होगा कि 2011 में लोकपाल और लोक आयुक्त कानून के लिए आंदोलन हुआ। उस टाइम भ्रष्टाचार बढ़ गया था, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था। कहीं पर भी जाओ, चिरे मिरे दिए बिना काम नहीं होता। महंगाई बढ़ रही थी, जनता बाज आ गई थी, पारिवारिक लोग। इसलिए हमने आंदोलन किया और पूरा देश खड़ा हो गया। देश खड़ा होने के कारण सरकार को कानून बनाना पड़ा। कानून तो बन गया, अभी सरकार जब बदल गई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, ऐसा लगा था कि अब वो कानून जो बन गया उसका अमल होगा और भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। उसका अमल तो नहीं हुआ, वो कानून को कमज़ोर किया। एक बिल लाया, धारा 44 और 27 जुलाई 2016 में लोकसभा में रखा, एक दिन में पास किया, चर्चा नहीं। 28 को राज्यसभा में रखा, एक दिन में पास किया। 29 को राष्ट्रपति के टेबल पर रखा, एक दिन में साइन। 3 दिन में लोकपाल लोक आयुक्त को कमजोर करने वाला कानून 3 दिन में। मोदी जी तो खुद कहते हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर उन्होंने क्यों इस बिल को कमजोर किया, आपको क्या लगता है? उनको नहीं चाहिए लोकपाल लोक आयुक्त कानून, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, पर वो तो कहते हैं मैं तो बहुत साफ आदमी हूँ, उनके आगे नहीं कोई, पीछे नहीं कोई, और वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनको क्यों नहीं चाहिए? अरे, खाने के दांत अलग है और बताने के दांत अलग है। अगर ऐसा होता तो भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया देश में? आज फोर्स संस्था है, उनका रिपोर्ट आ गया, 1.5 साल स्टडी किया उन्होंने पूरा एशिया में, और उनका रिपोर्ट आ गया कि भारत भ्रष्टाचार में पहले क्रमांक पर है। ऐसा क्यों हो रहा? अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना है, उसका कारण ये खाने के दांत और बताने के बाद दांत अलग है, वो जैसे बोलते ऐसा करते नहीं है। अन्ना, ये बताइए कि इस बार आप किसानों की भी आवाज आप कह रहे हैं, आप उठा रहे हैं अपने। आपने 3 महीने तक 22 राज्यों का दौरा किया, 9000 किलोमीटर तक आपने सफर तय किया। क्या आपने पाया देश में घूम के? सब कुछ खराब हो ऐसा तो नहीं हो सकता? ये किसानों का जो मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि प्रधान भारत देश है और कृषि प्रधान भारत देश में आज किसान दिन ब दिन आत्महत्या कर रहे हैं। 22 साल में कई लाख किसानों ने आत्महत्या की कृषि प्रधान भारत देश में। उसका कारण है कि किसान अपने खेते में जो पैदावारी निकलता है और जो लागत लगाता है, बैंक से कर्जा लेता है, किसी से पैसा लेता है और अपने पैदावारी बढ़ाने का कोशिश करता है और उसको दाम नहीं मिलता, आत्महत्या करता है। ये कृषि प्रधान भारत देश में आत्महत्या हो रही है, तो इसलिए हम लोग बार 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 कह रहे हैं कि ये जो आत्महत्या हो रही है, इसको कारण ये है कि उसको मूल्य सही नहीं मिल रहे। और सही मूल्य क्यों नहीं मिल रहे? तो राज्यों में कृषि मूल्य आयोग है, हर राज्यों में वो अपना रिपोर्ट भेजते हैं, कौन से फसल को कितना दाम मिलना, ज्वार बाजरा मक्का गेहूँ सोयाबीन, ये सब रिपोर्ट भेजती है। और केंद्र में बैठा हुआ कृषि मूल्य आयोग है, 45-50% कटौती करता है। क्यों करता है भाई? अरे, राज्यों ने कृषि मूल्य आयोग का जो रिपोर्ट दिया उसमें सब यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनाया कि एक फसल पर कितनी लागत आती है तो उसको कितना मूल्य देना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं किसानों के लिए? क्या हमारी मांग ये है कि वो जो
कृषि मूल्य आयोग है ना केंद्र में, वो सरकार के अधीन है, कृषि मंत्री उसका प्रमुख है, उसको हटाओ। और कृषि मूल्य आयोग जैसे इलेक्शन कमीशन है, ऐसे अलग से कमीशन बनाओ, ये आयोग उसको स्वायत्तता दे दो जी, संवैधानिक दर्जा दे दो, और देश के कई किसान, अच्छे अनुभवी किसान हैं, उनको भी आयोग पर ले लो तो सही दाम मिलेंगे। अन्ना, ये भी कहा जा रहा है कि किसानों का अब इस्तेमाल होने लगा है, किसानों के माध्यम से राजनीति होने लगी है। अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से किसान लामबंद होकर आए थे, आप उस आंदोलन में कहां थे? ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो अपने नहीं, आप इतना बड़ा आंदोलन था महाराष्ट्र का, आप महाराष्ट्र के किसान आंदोलन की पहचान रहे हैं, चेहरा रहे हैं, उस इतने बड़े आंदोलन से जिसने पूरे देश को हिला दिया, उस आंदोलन में अन्ना कहां थे? मैं तो सपोर्ट किया ना। नहीं, आप वहां कहीं नजर नहीं आए, उस रैली में नहीं आए? नजर आने के लिए वो झंडा था ना, राजनीति का झंडा था, जहां राजनीति का सवाल है वहां मैं जाता नहीं, उनसे दूर रहता, लेकिन मेरा सपोर्ट किया मैं, वो मीडिया को बताया। आप कह रहे हैं कि वो जो किसान आंदोलन था उसमें किसान नहीं, नेता थे जिन्होंने उस पूरे आंदोलन को चलाया? नहीं, जो शामिल हुए वो तो किसान ही थे, लेकिन झंडा था ना पार्टी का, तो जहां पक्ष और पार्टी का झंडा है वहां हम नहीं जाएंगे। अन्ना, आंदोलन रुकेगा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी पूरी इच्छा शक्ति है उसके साथ, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए उसमें लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। पहले आपके पास एक पूरी टीम थी, अरविंद केजरीवाल उसके साथ जुड़े हुए थे, मनीष सिसोदिया थे, तमाम लोग थे। अब अन्ना की टीम कहते हैं कमजोर हो गई, तो अन्ना भी क्या कमजोर हो गए? या ऐसा नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जो टीम मेरे से दूर हो गए ना वो अच्छा हो गया, न तो मेरी इमेज कम होना था, वो दूर चले गए या अच्छा हो गया। अभी कल देखो कितने लोग आते रामलीला पर, और कितने लीडर हमारे साथ, लीडर मतलब पक्ष और पार्टी का नहीं, जी जी, चारित्रशील लोग कितने जुड़ते हैं। आपको पूरा विश्वास है रामलीला मैदान में लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उन मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, मैं कोई पक्ष और पार्टी का सोच नहीं करता। मैं तो 25 साल की उम्र में तय किया कि जब तक जीवंगा समाज और देश की सेवा करूंगा, और मरूंगा तो समाज और देश की सेवा करते करते मरूंगा, इसलिए विश्वास है लोगों का। अन्ना, एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल, आप दिल्ली में मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल आपसे मुलाकात करने के लिए आए, आपसे फोन पे बात की, आपका इतना आपको गुरु मानते थे, इतना प्यार आपसे दिखाते रहे, आजकल वो सबसे माफी भी मांग रहे हैं, कि आपसे माफी मांगी उन्होंने? नहीं, मेरे से कोई गलती नहीं किया तो माफी मांगने क्यों? गलती तो की, आप तो कहते हैं उन्होंने आपको धोखा दिया। अब धोखा दिया लेकिन तो ये गलती नहीं है, ये स्पष्ट नहीं ना, जैसे बाकी लोगों पर आरोप किया उन्होंने। लेकिन अभी आ भी गए तो भी मैं जब अनशन पर बैठ रहा ना, ऊपर आने की भी इजाजत नहीं, बैठने का तो दूर है। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सबसे माफी मांग रहे हैं आजकल, लेकिन आप उनके गुरु थे, आप ही ने उनको उंगली पकड़कर एक तरह से यहां तक पहुंचाया, लोगों में उनकी एक अलग पहचान बनाई, तो क्या उन्होंने माफी मांगी, उनका दिल हृदय परिवर्तन हुआ, आपसे माफी मांगी? क्योंकि आपने कहा था कि केजरीवाल ने मुझे धोखा दिया है, और अब कोई मुझे धोखा ना दे, इसलिए मैं स्टैम्प पेपर पर लोगों से लिखवा रहा हूं कि वो राजनीति की पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, मेरे आंदोलन का फायदा नहीं उठाएंगे। तो जिस शख्स ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको स्टैम्प पेपर भरवाने पड़े आपकी रैली में आने वाले लोगों से, क्या उसने आपसे माफी नहीं मांगी? अभी तक तो नहीं मांगी है, और मैं अपेक्षा भी नहीं करता। आप बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है, कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल? उनके आधे मंत्री तो भ्रष्टाचार के कारण घर में गए, कुछ MLA उन पर आरोप लग गए, कहीं कहीं जेल में गए, ये आदर्श है हमारा। अन्ना, आप देश के लिए तो इतना सब कुछ करते रहते हैं, जब अन्ना अकेले में थोड़ा वक्त मिलता है, फुर्सत का, अन्ना कुछ गीत संगीत में भी रुचि रख लेते हैं? क्या है कि समय नहीं मिलता है, मैं अकेला लोग बैठने नहीं देते, सवेरे उठने से रात को सोने तक मैं अकेला बैठा, अभी कभी समय नहीं, इतने लोग होते दिन भर वो आते रहते हैं, तो अकेला मैं कभी बैठा ऐसा समय नहीं जाता,
लेकिन मुझे मेरे लिए अच्छा है, वो समय नहीं मिलता ये अच्छा है, अगर समय मिलता तो और कोई बातें दिमाग में घूमना शुरू हो जाती। आप अपने प्रयास में कामयाब हों, शुभकामनाओं के साथ हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ नेशन पर अन्ना से ये थी खास मुलाकात, और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।